आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मौसम तो उड़ करते सो इट्स ऑलमोस्ट जा रहे उधर ज़्यादा बारिश ना हो फिर वापस प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा हो सकता था इसलिए हम थोड़ा आराम से प्यार से पहुँचेंगे टू वॉज द थर्ड धाम आज दर्शन नहीं करेंगे बट कल करेंगे बट उधर बेस कैंप मतलब कि बेस पे उधर रुकेंगे तो आप ब्लॉग में बने रहिए गाइस ऐसे अब रोड का सीन और क्या क्या अच्छी चीज़ें होती है वो आप शूट करते रहेंगे और बारिश में एक चीज़ प्रॉब्लम हो गई गाइस कि मेरी अब वॉच कम्प्लीटली बंद हो चुकी है और उसके लिए थोड़ा सा मैं कंप्लीस हो रहा हूँ बट कोई बात नहीं ये ट्रिप का मेमोरीज है तो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही है सो मैं आपको मिलता हूँ कुछ ही देर में गाइस वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके गाइस सो इट्स अराउंड नाउ 11:25 इन द मॉर्निंग हम लोग 7:30 बजे से चालू किया सो इट्स अराउंड अभी 4 hours का ड्राइव था हमारा यहाँ तक का अभी और आगे जाना है सो लेट्स सी गाइस कितना टाइम लगेगा अपने को सो आज का ब्लॉग जो भी मैं कर रहा हूँ वो 4K में शूट कर रहा हूँ तो डू लेट मी नो गाइस कि कैसा है क्लैरिटी सो बाय द टाइम एक अच्छा वंडरफुल सीन आने वाला इन 3, 2, 1 गो ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं 1:58 हो चुका है गाइस सो अभी बारिश भी धीरे धीरे आ रही है जा रही है तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सो अपना अभी हम लोग इधर किधर बीच में ही किधर रास्ते में लंच के लिए रुके सो यहीं पे अभी वेट करना है कुछ ही देर के लिए फिर बाद में लंच करके वापस आवर जर्नी विल कंटिन्यू टू वर्ड्स फ्रंट सो व्लॉग में बने रहिए गाइस और अपने साथ किचन के नंदू भाई आ चुके हैं सही एड्रेस के मालक चाचा जी अंकल भी है मोटा भाई है सब आ चुके व्लॉग में सब लोग व्लॉग में आ चुके गाइस सो आई होप सो आपको अच्छा लगेगा ये व्लॉग अभी थोड़ा सा आगे जर्नी आज देखते कितना टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अभी 2 बज चुके खाते खाते तो 2:30 तो बच जाएगा एंड 3 बजे तक शायद से निकल पाएंगे अपन सो आई विल कैच यू आफ्टर सम टाइम गाइस से कितना दूर है 140 किलोमीटर तो मतलब 140 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता है तो कितना टाइम लगेगा 6 घंटा मतलब अभी 3 बज रहा है मतलब ऑलमोस्ट विल बी रीचिंग बाय 7-8 o'clock अगर ट्रैफिक ना हुआ तो सो आई होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा गाइस सो नाउ अगर ये वाला रोड्स आर सो ब्यूटीफुल मतलब कि एक बार आप अपना कार या बाइक जरूर लेकर आना मालूम ना मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने नॉर्थ ईस्ट सीरीज में भी
but it's a different experience to bring your cars and bike also at this such places also. Like अलग ही vibes. अगर आप road trip lover हो तो लेके आना guys. नहीं तो खाली पकड़ के आप थक जाओगे चला चला के. But whenever you're bringing your cars or bikes, so you should definitely, अगर bike लेके आ रहे हो तो आप जरूर helmet लेके आना. For with अगर pillion कोई बैठ रहा है तो उनके लिए भी, और आप जो ride कर रहे हो वो भी लेके आइए. So, आप आ सकते हो इजीली. इट्स वेरी वेरी वंडरफुल. इट इज सो आई कैचिंग ना गाइस, मतलब कि मैं जितना भी शॉट निकालू ना पूरा रोड सीन नहीं बन जाएगा. आई थिंक सो पूरा ब्लॉग है ना, चारों धाम जाकर मैंने एक भी ब्लॉग बना देना, पूरा रोड सीन्स ब्लॉग बन जाएगा. चार धाम रोड सीन्स ब्लॉग करके मेरे को एक टाइटल डालना पड़ेगा फिर. सो आई विल कैच यू आफ्टर सम टाइम गाइस. सो डू लेट मी नो गाइस कि 4K रिकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए और शेयर दिस वीडियो गाइस. फ्यूल ब्रेक टाइम गाइस. सो इट्स अराउंड 6 o'clock राइट नाउ, बिकॉज मैं मोबाइल पे मैंने चार्जिंग पे रखा है तो इसीलिए. तो आप यहाँ से अभी कुछ ही घंटे में हम लोग पहुँचेंगे. सो ब्लॉग में बने रहिए, अच्छे अच्छे रोड सीन्स. आई होप सबको अच्छा लगा रहेगा और मैं ट्राई करूँगा निकालने का. सो जस्ट फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द होटल ओनली, हम लोग जस्ट 10 मिनट दूरी है होटल से. हम लोग को इधर ही ट्रैफिक मिल गया गाइस. Finally, we have made it to the Guptkashi guys. So the Guptkashi is just 47 kilometers from our hotel, which is known as Himalayan Hotel. So 47 इधर से ही है kilometers. But अभी vlog end करने से पहले आप लोग से एक request है guys कि एक मैंने एक footage लिखा था towards Rudraprayag का एक scene है, तो वो देख के फिर मैं आपको मिलता हूँ guys. चलिए व्लॉग एंड कर लेते गाइस. सो आई होप सो ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा आपको गाइस. सो दैट्स इट विद टुडेस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. अगर पसंद नहीं आया तो यू कैन हिट द डिसलाइक बटन टू. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच गाइस. एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल, डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल. दिस इज माय आईडी हियर. और द लोकेशन अगर आपको अपना होटल का देखना है तो दिस इज हिमालयन होटल जैसे कि मैंने बोला. एंड इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ होटल विच इज़ दैट शुभम, शुभम करके जस्ट मेरे पीछे दैट इज होटल शुभम. सो इन गुप्तकाशी विच इज़ जस्ट 47 किलोमीटर्स फ्रॉम आर होटल द केदारनाथ टेम्पल. एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 9 o'clock. हम लोग 8:30 बजे पहुँच गए थे, बट इट वॉज अराउंड 13 hours का ड्राइव बिकॉज ट्रैफिक ज़्यादा था, थोड़ा बहुत पहाड़ों में ट्रैफिक रहता है तो उसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा पहुँचने में टाइम लग गया था. और दिस इज़ द रूम फॉर द नाइट. मालूम है थोड़ा सादा है, बट इधर थोड़ा सा ये सब एरियाज में आपको थोड़ा सा सादा टाइप का ही मिलेगा होटल वगैरह. एंड लेट्स सी द बाथरूम ऑल्सो गाइस. सो बाथरूम का लाइट ऑन करने से पहले, सो वी हैव entered in the bathroom as you can see. So we have entered in the bathroom. This is the bathroom area. This is also like a kind of simple. So chaliye, I'll catch you in my next vlog with a lovely big mission guys. Big mission to sab do dham the, ab tisra big mission kal hoga. So milte hain kal ke vlog mein guys. Thank you. फाइनली गाइस पहुंच चुके अपन